हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाई होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पासवर्ड ईसीएनआर और ईसीआर में क्या अंतर होता है, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को हमारे लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपी पे और यहाँ पे हम आपको बताएंगे पासवर्ड ईसीआर और ईसीएनआर के अंतर क्या होता है। तो ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं आज की करेंसी का क्या रेट है और 3 अक्टूबर में गोरखपुर से लिहाज का फ्लाइट का क्या रेट है। तो ये सब हम देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की करेंसी का रेट और 3 अक्टूबर में गोरखपुर से लिया जब फ्लाइट का रेट। तो अब हम जानते हैं पासवर्ड ईसीएनआर और ईसीआर में क्या अंतर है। तो पासवर्ड ईसीएनआर जो होता है उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा बैक चाइल्ड, और पासवर्ड जो ईसीआर रहेगा उसमें बैक साइड आपका लिखा रहेगा इंडिकेशन चेक रिक्वायर्ड। ये होता दोस्तों, ये पहला ट्रिक है पहचानने का। दूसरा ट्रिक ये है, अगर जब पासवर्ड आप बनवाएंगे, अगर आप हाई रिटर्न मार्कशीट लगाए जाएंगे तो आपको पासवर्ड चेक रिक्वायर नहीं लिख के आएगा, और यानी इमिग्रेशन आपको नहीं कराना पड़ेगा। और हाई रिटर्न मार्कशीट अगर नहीं लगा रहेगा तो आपका पासवर्ड के पीछे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर लिख के आएगा एकदम बिल्कुल इस तरह। तो इसका मतलब आपको बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, और फिर इमिग्रेशन कराने का जो पैसा लगता है अगर उसको आप बचाना चाहते हैं, इमिग्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप देखते सपोर्ट टाइप कहीं जाना होगा आपको, तो यानी हाँ अगर दुबई आपको जाना हो तो आप पहले आप टूरिस्ट वीजा लेके पासपोर्ट के साथ आप जाएंगे वहाँ एयरपोर्ट पे। तो टूरिस्ट वीजा लेंगे तो उसमें टूरिस्ट वीजा में रिटर्न कंपनी टिकट लेना है, पासपोर्ट लेना है और वैक्सीन सर्टिफिकेट लेना है, और वहाँ का कोई कपिल बुला रहा है या जो भी जो दोस्त बुला रहा है उसका आईडी लेके एयरपोर्ट जाना रहेगा। फिर वहाँ से आप जब जाएंगे तो उस कंपनी में तो वो कपिल आपका वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा थोड़ा लगेगा, वो पैसा लगा के आपका वो वीज़ा चेंज करा देगा तो वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा। तो इस तरह आप जा सकते हैं, इमिग्रेशन का आपका पैसा बच जाएगा। तो आप तो अगर आप लोग को जो भी मैंने समझाया अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी खबरों के साथ। टाटा बाय बाय।